नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टोरी हाउ और मैं हूं आपके साथ निहारिका नाथ। दोस्तों, केरल के एर्नाकुलम में एक कन्वेक्शन सेंटर में हुए 3 धमाकों में मरने वालों की संख्या 2 हो गई है। प्रार्थना सभा के दौरान एक के बाद एक 3 धमाकों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। दिल दहला देने वाले इस केरल ब्लास्ट पर बात करते हुए आपको बता दें कि केरल के काला मसेरी में ईसाई समुदाय के एक सम्मेलन केंद्र में रविवार सुबह यानी कि कल हुए धमाकों में अब तक 52 लोगों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। फिलहाल 18 लोग आईसीयू में हैं और इनमें से 6 साल के बच्चे समेत 6 की हालत बहुत गंभीर बनी हुई है। वहीं ब्लास्ट के खबर के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गृह मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों के अफसरों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। शाह ने अफसरों से घटना की पूरी जानकारी ली है और इसके अलावा ब्लास्ट की जांच के लिए NIA और IB की टीम मौके पर जांच में जुट चुकी है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने विस्फोट में घायल हुए लोगों का बेहतर इलाज करने के लिए विभाग के अफसरों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इसी के साथ अब केरल में हुए इस ब्लास्ट के कारणों के अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं, तो इसी बीच जहां एक ओर केरल के पुलिस DGP शेख दरवेश साहब ने तिरुवनंतपुरम के पत्रकारों से कहा कि जो शुरुआती जांच हुई थी उसके अनुसार विस्फोट IED के कारण हुआ, तो वहीं खुद को ईसाइयों के यहोवा का साक्षी समूह का सदस्य बताने वाले एक व्यक्ति ने केरल के त्रिशूर जिले में पुलिस के सामने खुद सरेंडर किया है। उसने रविवार सुबह काला मासेरी में ईसाई धार्मिक सभा में हुए एक विस्फोट की जिम्मेदारी ली है। इसी के साथ ADGP लॉ एंड ऑर्डर MR अजीत कुमार ने बताया कि उस व्यक्ति ने कोटकारा थाने में सुबह खुद आकर आत्मसमर्पण कर दिया है और दावा किया है कि उसने ही विस्फोट को अंजाम दिया। ADGP ने कहा है कि उस व्यक्ति का नाम डोमिनिक मार्टिन है। उसने अपने दावे के समर्थन में सबूत भी दिए हैं। हम फिलहाल इसकी जांच कर रहे हैं। हम उसके दावों और कृत्य को अंजाम देने के लिए बताए गए कारणों की भी जांच कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस व्यक्ति ने खुद के यहोवा के साक्षी ईसाई धार्मिक समूह का अनुयायी होने का भी दावा किया है। केरल के कोची ब्लास्ट केस में जांच एजेंसी NIA और केरल पुलिस ने कन्वेक्शन के आसपास 70 CCTV कैमरों को खंगाला है और जांच एजेंसियों को संदिग्ध ब्लू कार की भी तलाश है जो उस समय पार्किंग में खड़ी थी। इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये विस्फोट सामरा इंटरनेशनल कन्वेक्शन सेंटर में हुआ, जहां रविवार सुबह करीब 9 बजे यहोवा के साथियों का एक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था। विस्फोट के समय हॉल में 2000 से अधिक लोग मौजूद थे जिनकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है। इसी के साथ दोस्तों, केरल ब्लास्ट के बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। न सिर्फ केरल बल्कि दिल्ली, UP सहित कई राज्यों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब क्योंकि त्यौहार का सीजन है, इसीलिए त्यौहारों के मद्देनज़र चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल गहनता से निगरानी कर रहे हैं। हर आने जाने वाले पर बारीकी से नज़र रखी जा रही है, क्योंकि कहते हैं कि ज़रा सी लापरवाही न जाने अगले पल क्या कर बैठे। ऐसे में दोस्तों, आप भी सुरक्षित रहें, सजग रहें और सतर्क रहें, साथ ही अपना खास ख्याल भी रखें। दोस्तों, इस अपडेट में फिलहाल इतना ही और इसी खबर या किसी अन्य खबर पर अपडेट जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी हाउ।